अयोध्या से हम आ गए हैं घूम के और भैया खड़े हुए हैं यहाँ पर। कल के ही कपड़े पहने हमने दर्शन, कल के ही कपड़े पहने हुए हैं भैया ने अयोध्या में दर्शन करने के बाद। कपड़े उतारने का मन और कर रहा है। आज एक खुशी की खबर है हाँ जी, और एक दुख वाली खबर ये है कि हमारी सेल्टोस जा रही है आज। तो अयोध्या से आने के बाद एक और खुशखबरी भाई साहब, आ रही है नई गाड़ी। तो भाई साहब अयोध्या से लौट आए थे हम लोग कल को, और गाड़ी की हालत देखो क्या हो रखी है। इतने मच्छर मरे हैं गाड़ी से, ये रे अब देख इतने मच्छर मारे हैं। एक मच्छर यहाँ भी खड़ा हुआ है लेकिन इसको मार नहीं सकते, काम का मच्छर है अपने, ये अपने काम का मच्छर है भाई, इसको मार नहीं सकते। अभी मेरा भाई ना मेरे साथ गाड़ी साफ करवाएगा, देखना। अभी मेरा भाई गाड़ी साफ करवाएगा। और भाई आज एक खुशी की खबर है और दुख की खबर ये है कि हमारी ये गाड़ी जा रही है आज, और नई गाड़ी अब देश आ रही है, ये खुशी की खबर है। ये चेक करो भाई साहब, ये अपने सेक्टर का जो है बारात घर है, इस पे क्या कारीगरी की गई है भाई साहब, ये देखो कमाल की पेंटिंग करी गई हुई है अपने यहाँ के बारात घर की, है ना भाई साहब, कमाल की, बढ़िया लग रहा है एकदम, फर्स्ट क्लास बढ़िया पेंटिंग करी हुई है भाई, गाड़ी रही है। तो हम लोग निकल चुके हैं अपनी किया सेल्टोस को देने के लिए और वहां से नई गाड़ी लेने के लिए। और यहाँ सामने ये कुत्ता बैठा हुआ था, हट नहीं रहा था, अभी हटा है जब भैया ने हॉर्न दबाया। भैया को थोड़ा मतलब अजीब सा फील हो रहा है कि यार हम किया को अपने देने जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा भाई भैया का, लेकिन कोई बात नहीं, ये जाएगी तो जभी तो नहीं आएगी, क्यों पुरानी जाएगी जभी तो नहीं आएगी। सही बात भाई, गाड़ी बहुत अच्छी थी। इस गाड़ी के साथ हम लोग हिमाचल में बहुत जगह घूमे हैं, और इससे हम लोग बद्रीनाथ गए हैं, और गए हैं यार, वो चीज थोड़ा दिल को प्यार देता है कि और कल आज गाड़ी जा रही है, और कल हम अयोध्या से वापस आए इसी गाड़ी को लेके गए हुए थे हम लोग अयोध्या। 15 किलोमीटर चलाए ये डेढ़ दिन में। डेढ़ दिन में 1500 किलोमीटर गाड़ी चला दी हमने, तो इतनी जगह इस गाड़ी से घूमने के बाद ना एक फीलिंग सी गाड़ी से जुड़ जाती है कि भाई हम इस गाड़ी से इतनी इतनी जगह घूमे हैं, अब इसको हम सेल करने जा रहे हैं। सेल करने का कोई खास कारण नहीं है, बस यही है कि नई गाड़ी चाहिए तो इसलिए इसको सेल कर रहे हैं। तो गाड़ी को हमारी ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 साल ही हुए हैं, तो 4 साल हुए हैं तो 4 साल भी बहुत होते हैं भैया। सही है, 4 साल। 38,000 करीब हमारी गाड़ी चली है, ज्यादा चलती नहीं। किसी तरह एवरेज 10,000 किलोमीटर ले आए हैं हम। भले ही थोड़ा हमने मेहनत आखिरी के दिनों में ज्यादा किया, थोड़ी गाड़ी चला ले, बट ठीक है। तो गाड़ी ज्यादा चली नहीं है, 38,000 करीब ही चली हुई है, लेकिन कम चलती है क्योंकि इसको हम लोग जब भी लेके जाते हैं, जब हमें बाहर कहीं जाना होता है, हिल स्टेशन या आउट ऑफ दिल्ली जाते हैं, जब भी हम इस गाड़ी को लेके जाते हैं। और भाई साहब नई गाड़ी कौन सी आ रही है ये अभी नहीं बताऊंगा, ये आप व्लॉग में ही देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि नई गाड़ी हमारी कौन सी आ रही है। गाना भी क्या सुन रहे हैं देखो, सेल्टोस को बोल रहे दूर नहीं जाना मुझसे। जा रही है भाई लेकिन। पहुंच गए हम शोरूम में, ये है अपना स्कोडा का शोरूम। तो गाड़ी देखते हैं अंदर चल के हम कौन सी लेने वाले हैं, वैसे तो हमें पता है हम कौन सी ले रहे हैं, आप लोगों के लिए सरप्राइज है, वो डिलीवरी के टाइम पर ही आप लोगों को दिखाएंगे कि हमने स्कोडा वालों से गाड़ी कौन सी ली है। स्लाविया भी अच्छी लग रही हुई है ना। तो अपनी सेल्टोस को दे दिया है भाई यहाँ पर स्कोडा वालों को, और हम जा रहे हैं अब कैब से, ये अपनी कैब, हाँ इसी में चलना है भाई, बाय तो बोल दो इसको लास्ट टाइम। यहाँ पर कुछ पेपर वर्क कर रहे हैं, इसके बाद हम डिलीवरी लेंगे गाड़ी की। तो ये है अपनी गाड़ी यहाँ पर, और अब ये यहाँ पर ना पर्दा उठने वाला है भाई साहब, अब आपको दिखाई देगी हमने कौन सी गाड़ी ली है यहाँ पर, और ये उठने जा रहा है भाई साहब इस गाड़ी से पर्दा, ये देखिए ये गाड़ी हमने ली है। तो ये है स्कोडा की कुसैक, तो ये मोंटी कार्लो वर्जन है स्कोडा कुसैक का। तो भैया ने गाड़ी स्टार्ट कर ली और फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी को चलाने वाले हैं, और ये कर दी भाई साहब, थोड़ी सी आगे करेंगे उसके बाद जो है गाड़ी बाद तो में अपनी गाड़ी है भाई साहब, जब इस गाड़ी स्कोडा कुसैक, ये इसके ऐसे कुछ एलॉय, ये मोंटी कार्लो वर्जन है, मोंटी कार्लो एलॉय कुछ अलग है इसके, और अंदर थोड़ा सीट वगैरह ये ऐसे है, ऊपर से ऐसे है, पीछे से कुछ ऐसी है।
अच्छा लेकिन इसका कुछ तो जी ये गाड़ी ली है हमने स्कोडा कुसेक मोंटी कार्लो वर्जन। सर ड्राइविंग कर रहे हैं गाड़ी, डिलीवरी ले ली है भाई साहब गाड़ी की हमने, अब चलते हैं इसको मंदिर लेके चलते हैं गाड़ी को। गाड़ी तो मस्त लगती है भाई ये मोंटी कार्लो ना, इसके एलॉय भी मतलब अलग है भाई साहब, ये एलॉय के डिजाइन वगैरह। शोरूम से गाड़ी लेके सीधा हम आ गए हैं मंदिर पे और ये गाड़ी के टायरों के नीचे जो है नींबू रखे जा रहे हैं, गाड़ी की पूजा चल रही है। और ये हम सफदरजंग इनक्लेव में एक मंदिर है वहाँ पर आए हुए हैं और पंडित जी पूजा में लगे हुए हैं भाई साहब, पंडित जी कर रहे हैं बढ़िया करके गाड़ी की पूजा। ये देखिए ये टायरों पे तिलक किया जा रहा है, चारों टायरों पे ऐसे ही तिलक किया गया है। और यहाँ पर पंडित जी नारियल के ऊपर कपूर रखी हुई है भाई साहब, उससे आरती उतार के और ये नारियल गाड़ी के सामने फोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर अब पूजा संपन्न होने वाली है। यहाँ पर हमने जो टायरों के नीचे नींबू लगाए थे अब गाड़ी को आगे करने का समय आ गया है, अब गाड़ी को हम करते हैं आगे। अब देश ने थोड़ी सी कैमरे की शिकायत कर दी, भैया नाराज हो रहे हैं लेकिन मैंने उसको बोला अब देश ये देख नीचे स्कोडा लिखा हुआ आ रहा है दरवाजा खोलने पे, भाई ये जमीन पे लिखा हुआ नहीं है, ये हमारी गाड़ी की लाइट है। एक मिनट हटना भैया देखो, बंद बंद देखो ये मूव भी कर रही है, देख लो दरवाजे के साथ, ये सही चीज लगवाई आपने। तो ये है जी अपनी मोंटी कार्लो, ये है अपनी मोंटी कार्लो। तुम भी लोगे? हम के बस की नहीं भैया अभी तो। तुम कहो कि मोंटी को मार लो। ऐसा सा कुछ मीटर है इसका, इसका स्टार्ट बटन इधर दिया हुआ है स्टेयरिंग के साइड में, इसको प्रेस करो ये गाड़ी स्टार्ट। और भाई साहब ये सब सिस्टम है, ये इसका ऑटोमेटिक गियर लीवर है, ये इसका म्यूजिक सिस्टम का है, इसको लाते हैं होम पर, ऐसा सा कुछ है। ये इसका एसी का सारा सिस्टम है, एसी गाड़ी है। और ये आगे हमें छेड़ने के लिए, चलो आ जाओ हम नीचे। और रुको हटियो थोड़ा बंद करके, वो खोलना है ना, एक सिस्टम और दिखाना है इसका। ये नीचे लाइट भी, इसमें स्कोडा लिखा आता है डोर में, लाइट है बढ़िया। इस गाड़ी की लाइट दिखा देता हूँ, ये ऐसी सी कुछ लाइटें हैं, लाइट तो अच्छी है यार गाड़ी की है ना, लाइट मजेदार है। थोड़ा सा कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, बोल देना जो बोलना है। तो डिलीवरी लेके और पूजा करा के गाड़ी आ चुकी है घर पे और इस ब्लॉग को करते हैं हम यही ख़त्म। और सामने अवदेश खड़ा हुआ है, कह रहा भाई मुझे भी ले लो ब्लॉग में, मैं कहा हाँ भाई ले लेता हूँ। ये रहा हमारा अवदेश छत पे। तो इस ब्लॉग को हम इस गाड़ी के साथ करते हैं यहीं पर ख़त्म।